जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग गोयनका डायमंड एंड ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे इस वीडियो को लेकर कि इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए इससे संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कंपनी अभी दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही है, तो क्या कंपनी दोबारा लिस्ट हो पाएगी या नहीं लिस्ट हो पाएगी, लिस्ट होती हुई तो कब लिस्ट होगी, इसमें ट्रेडिंग कब से शुरू होगी, इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि गोयनका डायमंड में पिछले कुछ दिनों से ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, जिसका बदौलत इसमें कोई चार्ट यहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा है और चार्ट नहीं बन रहा है। इसलिए एक दिन का शेयर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखेंगे कोई मूवमेंट नहीं है। नहीं तो जब ट्रेडिंग होता है तो जो एक एक दिन का यहाँ पर आप देखते हैं तो शेयर प्राइस के साथ साथ यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ रहता है वो यहाँ पर शो करता है, तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अब सीधे लेकर चलते हैं आपको BSE इंडिया की वेबसाइट पर, वहाँ पर देखेंगे कि इस कंपनी से संबंधित क्या लेटेस्ट न्यूज निकल कर सामने आए हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग BSE इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पर आप देखेंगे गोयनका डायमंड एंड ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी का मैंने यहाँ पर मतलब डिटेल ओपन किया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी में अभी यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है और ये कंपनी जो है अभी IRP स्टेज वन में है। IRP यानी कि इंडियन रेजुलेशन प्रोसेस, हिंदी में इसको कहते हैं दिवालिया समाधान प्रक्रिया, यानी कि कंपनी जो दिवालिया है उनके कगार पर है। सबसे पहले समझिए दिवालिया क्यों हो गई, क्योंकि इसके ऊपर डेप्ट अधिक था। किसी भी कंपनी के ऊपर जब अवकाश अधिक कर्जा हो जाता है और कर्जा चुका नहीं पाती है तो कंपनी चली जाती है, उसको NCLT में चला जाता है विवाद को सुलझाने के लिए। कर्जा नहीं चुका पा रहे तो कंपनी के जो असेट्स है उसको बेच के कर्जा चुकाया जाए। अब देखिए अभी इसके लिए आई है IRP स्टेज वन में, धीरे धीरे ये जरूरत पड़े तो IRP स्टेज टू, IRP स्टेज थ्री और फोर तक में जा सकती है। लेकिन यदि स्टेज वन से ये आगे बढ़ता है तो दिक्कत हो सकता है। जहाँ ये IRP स्टेज वन से स्टेज टू में गई, टू या थ्री, थ्री या फोर में गई तो ज़्यादा चिंता की बात हो जाएगी, तब मानकर चले कंपनी अब दोबारा रिलिस्ट नहीं होगी। लेकिन जब तक वन में है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो आप पाएंगे कि बाई एंड सेल नहीं हो रहा है, यानी कि जब इसमें ट्रेडिंग होता है तो यहाँ पर कुछ बाई भी होता है कुछ सेल भी होता है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ट्रेडिंग बंद है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे 28 तारीख के दिन का ये अपडेट है, इसमें कुछ अपडेट निकलकर सामने आए हैं, तकरीबन चार पाँच अपडेट निकलकर सामने आए हैं। सबसे जो जरूरी आपके लिए अपडेट है, जो काम का अपडेट है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ सबसे मेन अपडेट है यहाँ पर देखेंगे अनुपालन प्रमाण पत्र, मैंने इसका PDF ओपन किया और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि ये प्रमाणित किया जाता है कि केन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है गोयनका डायमंड ज्वेलर्स की जो रजिस्ट्री और जो शेयर्स है, यानी कि गोयनका कंपनी के हमारे जो शेयर्स हैं किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो एक कंपनी है केन टेक्नोलॉजी, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। आगे और भी बात लिखा है कि सेबी के माध्यम से ही मतलब ये सेवाएं ट्रांसफर की जा रही है। मतलब दिवालिया होने की प्रक्रिया से जब कंपनी गुजर रही होती है तो उसके साथ जो जो होता है, जो जो उसके एसेट्स बेचे जाते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको किसी को ट्रांसफर किया जाता है, तो ये सारा काम किसके माध्यम से होता है, सेबी के माध्यम से होता है। हालांकि होता तो है कोर्ट के माध्यम से, लेकिन इसमें सेबी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी चीज़ बेचे जाएंगे या किसी को ट्रांसफर किए जाएंगे तो उसमें सेबी के देखरेख में, सेबी की निगरानी में ही वो काम होते हैं। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि गोयनका डायमंड में इसके अच्छे दिन लौटते हुए दिख नहीं रहे हैं। ज़्यादातर केसेज में मुझे ये लग रहा है कि इस कंपनी के मतलब ये जो अभी IRP स्टेज वन में है, इससे दोबारा ये कंपनी वापस लौटने की ओर नहीं जा रही और इसमें दोबारा ट्रेडिंग शुरू नहीं होगा। यानी कि आपके पास यदि इस कंपनी के शेयर हैं तो या तो आप भूल जाइए या कायदे से इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंस स्टॉक मार्केट में होता है तो कभी 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 क्या अक्सर ज़्यादा समय में वो काम कर जाता है। तो अभी IRP स्टेज वन में है, जब तक थ्री में नहीं जाता है तब तक हम अपनी कम कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे है उसे रहने दीजिए। यदि ट्रेडिंग शुरू होता है तब आप अपने शेयर को बेच के निकल जाएगा, वरना कोई बात नहीं है। हमने पहले भी कई कंपनियों में देखा है, जैसे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज हो गया, डीलिस्ट हुई थी लेकिन दोबारा रिलिस्ट हो गया, उसमें ट्रेडिंग शुरू हो गया, तो इसमें भी हो सकता है, उतनी चिंता की कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ गोयनका डायमंड के बारे में जो अपडेट मैंने बताया आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पेम स्टॉक या एंजल, उनके साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले धन्यवाद, शुक्रिया।